नगर निगम के सभागार में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में लगभग सभी वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से आवास योजना में देरी से हो रहे राशि के भुगतान पर पार्षदों ने उपनगर आयुक्त से चर्चा की और पेमेंट की स्थिति सुधारने की बातें कही। वहीं नई सूची भी तैयार करने का निर्देश सभी वार्ड पार्षदों को दिया गया। इधर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन की शुरुआत करने की भी यहां अपील की गई। आवास योजना को लेकर के बैठक था। इस बैठक में नई आवास योजना का चयन किया जाना है और विभाग का जो गाइडलाइन के अनुसार सारे दस्तावेज का सिलसिला तैयार करना है। सिलसिला तैयार करते हुए उसमें सभी वार्ड पार्षदगण का सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसमें विभाग का क्या दिशा निर्देश है, ये दिशा निर्देश बदलाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों से उनका बैठक को बुलाई गई थी, उनसे अवगत करा दें ताकि उनके सहयोग से समय हम लोग नए लाभुकों का चयन करते हुए डिग्रिया स्वीकृति पेमेंट जा रहा है। जो सूची मांगा गया यदि किसी के लंबित होगा तो लगातार पेमेंट हो रहा है, वो सूची प्राप्त हो जाएगा कि अगर किसी कारण से रुक गया होगा तकनीकी कारण से तो तुरंत पेमेंट हो जाएगा, उससे कोई जरूरत नहीं।